कानपुर में मुहर्रम के दौरान आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले में रावतपुर पुलिस ने कार्यक्रम के आयोजक व 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। जांच के साथ आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर 16-17 जुलाई की दरमियानी रात का एक वीडियो वायरल हुआ था। मामले में पुलिस ने वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच बैठा दी थी, जिसमें वीडियो सही पाया गया। वीडियो रावतपुर का है। मामले में कल्याणपुर सर्किल के ACP अभिषेक पांडे ने बताया कि वीडियो क्लिप के परीक्षण के बाद जुलूस का आयोजक और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR लिखी गई है, जांच जारी है। विगत दिनों सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुआ था, जो 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि में निकलने वाली मुहर्रम के जुलूस से संबंधित था। इसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे थे। इस वीडियो क्लिप के प्राप्त हो जाने के बाद इसका परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत इसमें भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के सुसंगत धाराओं में जो आयोजक हैं और जो 40-50 अज्ञात व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो विधि कार्रवाई है पुलिस के द्वारा की जा रही है। बीते गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो रावतपुर में डाखाने वाली गली का बताया जा रहा है। वीडियो 16-17 जुलाई की दरमियानी रात का है। वीडियो में एक मंदिर नजर आता है, उसके सामने ताजिया रखी है। मंदिर के सामने दूसरी ओर कुछ लोगों की भीड़ है। वीडियो में शामिल अराजक तत्व इलाके का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हुए सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाते सुनाई पड़ रहे हैं। वीडियो में ताजिया के पास मंदिर की जाली पकड़कर एक पुलिसकर्मी भी खड़ा दिखाई दे रहा है। ये पूरी घटना मंदिर के सामने लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में जिस तरह के नारों की आवाज़ सुनाई दे रही है, उस तरह के नारों का इस्तेमाल पाकिस्तान में किया जाता है। पाकिस्तान के आतंकी मुल्ले लबैके पर्टन पर सर तन से जुदा की नारेबाजी करते हैं और करवाते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एक बयान भी जारी किया था। गुरुवार को पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। मामले में जांच शुरू कर दी गई। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर बयान दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई। एडिशनल CP हरीश चंद्र ने बताया था कि आपत्तिजनक नारेबाजी करने वालों के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। जांच पूरी होते ही मामले में अगर वीडियो सही पाया गया तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह साफ हो गया है कि रावतपुर इलाके में ही आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिसका वीडियो और CCTV फुटेज भी पुलिस ने जांच के बाद जुटा लिया और अब पुलिस ने आयोजक और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अभिजीत गांगुली, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।